सभा को हम क्या नाम दें? ये सभा है सद्भावना की सभा, अथवा हम इस सभा को कहेंगे सद्भावना के मैसेज। आप सभी मैसेंजर आए हो अपने अपने देश में जाए। सद्भावना किसको कहते उसका अनुभव कराओ या मैसेज दियो। कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, तो जैसे साइंस की इतनी बड़ी शक्ति प्रगति होती जा रही है, कितना साइंस आगे बढ़ी है। सौ सवा सौ साल पहले तो इतनी साइंस नहीं थी, पर आज साइंस कहाँ जाके पहुंची है, सूर्य चांद तक जाने की सब कोशिश किया, परंतु साइलेंस की शक्ति कहाँ ले जाएगी? सूर्य चांद से भी पार क्या है? पार है आप हम सब आत्माओं का शांति धाम, जो कि कहा है भगवान ने गीता में कि सूर्य चांद से पार है आप हम आत्माओं का घर। तो अगर हम सब आत्माएं ये समझे देह अपमान अशांति लाता और आत्म अपमान शांति ले आता, और हम आत्मा हैं सभी शांति देश अर्थात परम धाम के निवासी, यहाँ सब आए हैं शांति प्रिय बनने और बनाने। इसलिए हमें ऐसी शांति की शक्ति की क्रांति लानी है, जो वास्तव में अगर एक तरफ साइंस है तो साइंस पर विजय हो, इस शांति की भी शक्ति की वो महान हो जावे, तो उसका आप हर एक अनुभव करो। देखा जाता ये ऐसी शक्ति होती जो आपको कभी भी ये शक्ति से, हम समझती हूँ आप लोग की जो भी कार्यक्रम है उसी कार्यक्रमों के अंदर आप लोगों को ऐसी कई बातें सब प्रॉब्लम्स आती जिसमें टेंशन हो जाता, और जहाँ टेंशन आएगा वहाँ फिर आप लोग के व्यवहार में भी जो प्रेम हो वो नहीं रहेगा। टेंशन वाला मनुष्य कई प्रकारों से एक दो को खुद भी टेंशन में अशांत, तो दूसरों को भी अशांत दुख देता रहेगा। परंतु ये ऐसी साइलेंस का शक्ति होती जिसको आप चाहे आध्यात्मिक शक्ति कहो चाहे इसको योग शक्ति कहो, जिसमें हमारा एक दूसरे से वैर विरोध दुख आदि आदि सब खत्म हो जाता। एक ही सवेरे से रात तक हर एक बात में शुभ सोचो, शुभ कार्य करो, शुभ व्यवहार करो, सबसे शुभ रखो, जिसको सद्भावना है कहते। एक बात कहूँ, आज जीवन में मनुष्य को अशांति होती, ये कोई जीवन होती क्या? मरना जीना ये वो तो दुनिया का खेल है ना, पर इसमें ऐसा हो जाओ ये लिख के जाओ हम
एवर हैप्पी रहेंगे। हो सकता है एवर हैप्पी, चाहे कुछ भी हो जावे, जीवन में एवर हैप्पी ही सच्ची जीवन है। जो एवर हैप्पी है वो एवर हेल्दी वेल्दी भी है। इसलिए सच्चा हेल्दी बनना तो एवर हैप्पी, जो एवर हैप्पी है वो एवर शांति का दाता भी। Thank you.
Thank you.